हेलो गाइज, वेलकम टू सोमेल। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, मैंने यहाँ पे बताया है कि 3 महीने के अंदर जो कमाई करने वाला ब्लॉग सेटअप, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको प्रॉपरली मैं समझाऊंगा आप लोग कैसे ऐसे ब्लॉग बनाओगे जो कि सिर्फ आपको 3 महीने के अंदर अर्निंग देना शुरू कर देगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे और एक चीज़ बताने वाला हूँ, जैसे कि ये 3 महीने वाला ब्लॉग सेटअप मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था आपको और उसका अर्निंग प्रूफ भी आपको दिखाया था, वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, यानी कि जितने साल में ब्लॉगिंग करने के बाद वो एक्सपीरियंस को ऐड करके वो ब्लॉग बनाया है। वही बात दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों आप सब मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये बनाना चाहूँ एक ही वीडियो में पूरा, ठीक है, तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले तो कीवर्ड रिसर्चिंग, वर्डप्रेस सेटअप, उसके बाद ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, सारा यहाँ पे सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ यहाँ पे कवर किया जाने वाला है। लेकिन ये अगर मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप कंप्लीट वीडियो देख ही नहीं पाओगे, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। इसलिए इसको पार्ट पार्ट डिवाइड करते हैं, कुछ ही दिनों के अंदर आपको सारा पार्ट मिल जाएगा, उसके मदद से आप लोग आसानी से ब्लॉग सेटअप करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब भी चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको काम करना है आपके डेडिकेशन के साथ, यहाँ पे आपको काम करना है प्रोफेशनल के तरह। ऐसा नहीं कि आप जैसे कि पिछले टाइम ब्लॉग वगैरह बनाते हैं वहाँ पे शेड्यूल मेंटेन नहीं करते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपरली एक शेड्यूल मेंटेन करके कंटेंट डालना है, अपने वेबसाइट पे काम करना है। तो पहले से दिमाग से आप रेडी हो जाओ, यहाँ पे आप लोग अपना 100% डालोगे तब जाके ऐसा इनपुट आपका निकलेगा, ठीक है। दोस्तों अभी चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि आपको पता है ये जो सीरीज आने वाला है इसको आप देखना चाहते हो तो 100% दोस्तों आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो इमीडिएट आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब जाके आप आसानी से वीडियो हर एक वीडियो को वाच कर पाओगे, सीरीज को कंप्लीटली देख पाओगे, उसके बाद इसे ब्लॉग भी बना पाओगे, ठीक है। दोस्तों अभी चलिए जो मेन पॉइंट है यहाँ पे मैं आपको वो चीज बताता हूँ। दोस्तों अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट क्या करना है। पहले तो दोस्तों आपको इन्वेस्ट आपका टाइम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगने वाला है, वो भी माइंड के साथ, सिर्फ टाइम नहीं, माइंड के साथ आप टाइम दोगे, 100% आपका एफर्ट डालोगे यहाँ पे, तब जाके ये काम हो सकता है। उसके बाद मनी इन्वेस्टमेंट कितना है दोस्तों, यहाँ पे मनी इन्वेस्टमेंट पे आपको सिर्फ 1000 के अंदर ही इन्वेस्टमेंट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आप कस्टम डोमेन तो खरीद नहीं पाले हो, चाहे कहीं पे भी काम करोगे लेकिन आपको डोमेन चाहिए। अगर डोमेन नहीं है तो आपको रैंकिंग नहीं मिलेगा, साफ सी बात है, बहुत क्लियर बात है, आपको डोमेन नहीं है तो आपको रैंकिंग भी नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अभी होस्टिंग या फिर ब्लॉगर, मतलब वर्डप्रेस या फिर ब्लॉगर, यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा वर्डप्रेस, क्योंकि ब्लॉगर पे आपको इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलता है, जो कि आपको इतना मतलब जल्दी क्विकली सक्सेस मिलने में मदद नहीं कर सकता है। तो चलिए मैं आपको कंपैरिजन करके समझा देता हूँ, उसके बाद आपको डीपली समझ में आ जाएगा आप लोग वर्डप्रेस क्यों ज्वाइन करोगे, क्यों आपको ब्लॉगर यहाँ पे चुनना नहीं है। तो चलिए सीधे चलते हैं स्क्रीन पे, उसके बाद आपको मैं पूरा समझा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों अभी मैं स्क्रीन पे हूँ, जैसे कि मैंने बोला था मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन दोस्तों देखिए ये था वो वीडियो जो कि आपको मैंने दिखाया था, 3 महीने ओल्ड वेबसाइट से मैंने अर्निंग किया है, वो भी आपको कैसे कर सकते हो। इसीलिए सबसे पहली बात है दोस्तों, आपको ये समझ लेना चाहिए कि वर्डप्रेस बेस्ट है या फिर ब्लॉगर बेस्ट है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा वर्डप्रेस इज द बेस्ट एज कम्पेयर टू ब्लॉगर। तो यहाँ पे देखिए ये रहा मेरा वर्डप्रेस वेबसाइट, ये एक ब्लॉगर वेबसाइट है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे देखिए एसईओ सेटिंग्स वगैरह इतना अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वर्डप्रेस का फीचर देखिए, यहाँ पे आपको वर्डप्रेस पे प्लगइन्स मिलता है जो कि आपका एसईओ को इंप्रूवमेंट करेगा, लेकिन आपको ब्लॉगर पे वो चीज नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई भी प्लगइन्स वगैरह नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ आप देख सकते हो पोस्ट के अंदर जो फीचर होता है, यहाँ पे मैं आपको एक पोस्ट ओपन करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसे ओपन करते हैं और यहाँ पे देखिए ये एक एडिटेड पोस्ट है, मतलब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक पोस्ट डाला था, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन मिलता है देखिए, यहाँ पे पहले तो लेवल्स, ठीक है, यानी कि कैटेगरी, उसके बाद देखिए पब्लिश डेट, यहाँ पे अपना डेट को आप चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो इसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परमालिंक, आप परमालिंक कस्टम खुद से बना सकते हो, फिर भी यहाँ पे देखिए बीच में क्या रह रहा है, डेट्स यहाँ पे मेंशन हो रहा है। उसके बाद लोकेशन आप सेट कर सकते हो, सर्च डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद देखिए ऑप्शन और क्या ये इंडेक्स करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ यहाँ पे रोबोट टेक्स्ट की तरह यहाँ पे भी काम आप कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे एक बार जाइए, मैं आपको और दोनों को कंपेयर करके दिखाता हूँ। पहली बात यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एसईओ प्लगइन पड़ा हुआ है जो कि आपको इंडिकेट कर देगा एसईओ के बारे में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी दिखा रहे 90% एसईओ इस ऑन पेज एसईओ इस पोस्ट में हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा डिटेल में आपको सबको दिखेगा यहाँ पे जो मेटा डेटा है यहाँ पे। उसके बाद ऊपर देख सकते हो और एक चीज़ है यहाँ पे, ये देखिए स्कीमा, ये आर्टिकल के वर्जन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो फेसबुक में कैसा अगर शेयर करोगे तो कैसा दिखेगा, कितना अच्छा फीचर आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको एक और एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि जनरल चीज़ें क्या होता है वर्डप्रेस के फीचर वो दिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हो पोस्ट के अंदर यहाँ पे डेट्स, आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से डेट को चेंज कर सकते हो, ठीक है, पहली बात। गया
उसके बाद परमालिंक, परमालिंक आप अपने हिसाब से रख सकते हो, यहाँ पे परमालिंक के अंदर कोई भी डेट वगैरह मेंशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा क्या, मतलब कैटेगरी, ये कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा टैग, ये किस का, मतलब ये किस टैग के रिलेटेड है, ये आपका रैंकिंग में बहुत मदद करता है, ठीक है। उसके बाद आता है फीचर्ड इमेज, ठीक है, मतलब आर्टिकल का जो मेन इमेज जो कि टॉप में शो करता है वो होता है फीचर्ड इमेज, लेकिन ब्लॉगर पे वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट, ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शनल कुछ डाल सकते हो। उसके बाद डिस्कशन, यहाँ पे इसे आप अलाउ करेंगे, मतलब कमेंटिंग वगैरह अलाउ करेंगे कि नहीं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे AMP, दोस्तों जो मेजर चीज़ है यहाँ पे AMP है, जो कि आपका वेबसाइट को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है। और AMP यानी कि एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज, जो कि आसानी से मोबाइल पे लोड होगा और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट ये देता है, ठीक है। वैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे ब्लॉगर पे देखिए, यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन कुछ ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर SEO की बात किया जाए, आपके मतलब ब्लॉग वर्डप्रेस पे आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं SEO करने के लिए, यानी कि बहुत सारे प्लगइन्स मिलते हैं, जैसे कि रैंक मैथ, यूएस्ट SEO। यहाँ पे देखिए मैंने रैंक मैथ का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे रैंक मैथ आपको कितना फीचर मिलता है आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो रैंक मैथ आपको बहुत सारे फीचर देता है, यहाँ पे एनालिटिक वगैरह, जनरल सेटिंग, टाइटल्स, मेटा, साइट मैप ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, जो कि आपका जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली गूगल पे इंडेक्स हो जाएगा। उसके बाद इंस्टेंट इंडेक्सिंग का फीचर भी देता है, अगर आप करना चाहें तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, वो जल्दी से जाके इंस्टेंटली इंडेक्स हो जाएगा। उसके बाद 404 मॉनिटर दे रहा है, रिडायरेक्शन, SEO एनालिसिस, स्टार्ट्स एंड टूल्स, हेल्प एंड सपोर्ट, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ वैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको बजाय यहाँ पे सिर्फ कस्टम कुछ सेटिंग्स वगैरह है, आपको बस वही करना है और कुछ नहीं। उसके बाद अगर आप कहने जाएं कि कस्टमाइजेशन के बारे में, यहाँ पे आप प्रोफेशनल लुक देके अपना वेबसाइट को बना सकते हो प्रोफेशनल तरह से, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो मेरा वेबसाइट है somyal.com, इसे ओपन करके दिखाता हूँ अभी। दोस्तों अगर हम देखेंगे इस वेबसाइट को, ओपन करके दिखाता हूँ आपको, दोस्तों आप देख सकते हो somyal.com आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट की तरह दिखेगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस खुद से मैंने एडिट वगैरह किया है, लेकिन ये चीज़ें आपको ब्लॉगर पे नहीं मिलेगा। अगर आप प्रीमियम और टेम्पलेट इस्तेमाल करते हो तब भी ये चीज़ आपको यहाँ पे नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन बात है कि यहाँ पे आपको होस्टिंग नहीं लग रहा है, तो बात वहाँ पे आपको होस्टिंग लग रहा है, लेकिन दोस्तों अगर आप होस्टिंग भी यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा रेस्पॉन्स मिलेगा आज कंपेयर टू ब्लॉगर। आपको इसीलिए ही वर्डप्रेस ज्वाइन करना है, ताकि आपको अच्छा रेस्पॉन्स मिल पाए, ठीक है। दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप लोग वर्डप्रेस ज्वाइन करें, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो कि होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं बहुत चीप रेट में, ठीक है। मैं आपको आगे कुछ 3-4 कंपनियों के बारे में बताने वाला हूँ, अगर आप वहाँ से होस्टिंग खरीद सकते हो चीप प्राइस में, आसानी से 1 साल के लिए आप लोग ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो छोटे से अमाउंट के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो मेक श्योर आप वर्डप्रेस ही इस्तेमाल करें, आपको रैंकिंग में बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। फाइनली दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और कोई भी डाउट है ब्लॉगिंग के बारे में तो नीचे कमेंट करना ना भूले। और दोस्तों साथ ही साथ आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे इसी सीरीज का हर एक वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तभी जाके आपको हर एक वीडियो मिलेगा और आप लोग आसानी से देख के यहाँ पे ऐसे ब्लॉग सेटअप भी कर पाओगे। और इसके साथ दोस्तों अगर आपका और कोई भी डाउट है ब्लॉगिंग के बारे में, या फिर पर्सनली आपका वेबसाइट का कोई डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उस पर मैं आपको मदद कर सकता हूँ, ठीक है।